नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किस प्रकार से आप फ्रोजन फिश को रिसीव करोगे अपने होटल या फिर रेस्टोरेंट के अंदर। यहां मैं फ्रेश फिश की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पे फ्रोजन फिश की, जो कि हम लोग -18 डिग्री जो बिल्कुल बर्फ की तरह होती है, उस मच्छी को हम लोग कैसे रिसीव करेंगे। मेनली जितने भी होटल्स होते हैं उनके अंदर जितनी भी फिश आती है वो फ्रोजन ही होती हैं। फ्रोजन फिश का यूज इसलिए ही किया जाता है क्योंकि वो सेफ होती है हमारे खाने के लिए। बट अगर हम लोग सही ढंग से प्रोसेस को नहीं जानेंगे या हमको पता ही नहीं होगा कि फ्रोजन फिश को कैसे रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे एक नुकसान तो हमारे पैसों का भी होगा, उसके बाद खराब क्वालिटी की फ्रोजन फिश को रिसीव करने के बाद जो भी कुकिंग होगी उससे हमारे गेस्ट बीमार ही पड़ने वाले हैं, और ओवरऑल इम्पैक्ट, और वो भी बुरा इम्पैक्ट हमारे रेस्टोरेंट की या होटल की रेपुटेशन पे पड़ने वाला है। तो यहाँ पे वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पुराने जितने भी व्यूअर हैं उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ या जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको इनको ऐसे ही फॉलो करना है, बट सारे के सारे जो भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आपको उनको फॉलो करना ही करना है। सबसे पहले जब भी आप अपनी फ्रोजन फिश को रिसीव करने जाओगे तो आपके पास आपकी ऑर्डर शीट होनी चाहिए, जो कि आपके शेफ के द्वारा या परचेज मैनेजर के द्वारा आपको दी गई हो। उस शीट के अंदर प्रॉपरली लिखा होगा कि भाई जिस भी वेंडर से आ रहे हो वेंडर कौन है, क्या क्या क्वांटिटी आ रही है, कौन कौन सी फिश आ रही है, पॉम्फ्रेट आ रही है कितने किलो आ रही है, श्रिम्प्स आ रहे हैं कितने किलो आ रहे हैं, तिलापिया आ रही है कितने किलो आ रही है, ठीक है, किंगफिश आ रही है कितने किलो आ रही है, इस तरीके के एग्जांपल्स उसमें लिखे होंगे या इस तरीके की मच्छी और उसकी मात्रा वहां पे लिखी होगी। उसमें डेट भी लिखी होगी कि कब आप रिसीव कर रहे हैं, और ये सारी की सारी चीजें उसमें मेंशन होंगी। तो ये शीट आपके पास होनी चाहिए जो कि आपके लिए एक फ्रेमवर्क का काम करेगी कि भाई कितना सामान आपने ऑर्डर किया था और कितना आप रिसीव कर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप आ जाता है कि जो भी गाड़ी आपके पास आ रही है, क्योंकि आप लोगों के पास एक सेपरेट एरिया होगा आपकी फिश को रिसीव करने के लिए, वहां पे आपको देखना है जिस भी व्हीकल के अंदर आपकी फ्रोजन फिश आ रही है वो व्हीकल या वो गाड़ी प्रॉपरली एसी वाली है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फिश है वो -18 डिग्री में होगी, बिल्कुल फ्रोजन होगी। तो कोई ऐसी गाड़ी जो कि अंदर से बिल्कुल गर्म है, क्योंकि अंदर से गाड़ी गर्म हो जाती है अगर उसके अंदर एसी नहीं है, तो इस प्रकार की गाड़ी के अंदर अगर आपकी फिश आ रही है तो आपको रिसीव नहीं करना है, या फिर अगर ऐसा हो रहा है तो आपको आपके सुपरवाइजर को वहां पे आपको इन्फॉर्म करना है कि ये जो गाड़ी आई है इसके अंदर एसी नहीं है, यहाँ पे जो मच्छी है हमारी डेंजर जोन के अंदर है। दूसरा आपको ये भी चेक करना है जो सप्लायर या जो वेंडर आपके लिए फिश लेके आ रहा है उसके अंदर उसने जो भी बास्केट्स रखी हुई हैं कि वो गंदी हैं कि बिल्कुल साफ है, साफ ही होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। अगर गंदी है तो आपको बोलना है कि भैया अगली बार से जब भी आप सप्लाई लाओगे या आप इसको लेके जाइए और इन बास्केट्स को प्रॉपरली साफ करके लाइए, क्योंकि यहाँ पे ये फूड सेफ्टी का मामला हो जाता है। पहले दो स्टेप्स को प्रॉपरली चेक करने के बाद आप देखोगे कि कौन सी मच्छी आपको रिसीव करनी है, उनकी आप क्वांटिटी देखोगे, 5 किलो है, 10 किलो है, किंगफिश 5 किलो है या फिर प्रॉम्फ्रेट 10 किलो है, आप देखोगे और उसके हिसाब से उनको बताओगे, और वो सारे के सारे आइटम उसी हिसाब से उनको उतारेंगे। मेनली जो फ्रोजन फिश होती है वो पैकेट्स में आती हैं, तो थोड़ा सा जो धांधलेबाजी है या कम मात्रा में देना है वो नहीं होता है, फिर भी आपको प्रॉपरली वेइंग स्केल से उनको तोलना है। इसके बाद आपने जो भी फिश ले ली है, जो भी पैकेट्स आपने रिसीव कर लिए हैं उसमें आपको उनकी जो डेट चेक करनी है। यहाँ पे दो प्रकार की डेट्स होंगी, पहली उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी कि भाई कब उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, मतलब कि कब मच्छी को पकड़ के उन पैकेट्स के अंदर डाला गया है। दूसरा उनकी एक्सपायरी डेट, आपको देखना है कहीं फिश एक्सपायर तो नहीं कर गई है, अगर एक्सपायर कर गई है तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। इसके बाद आपको पैकेट्स को भी अच्छे से देखना है, पैकेट्स बिल्कुल साफ होने चाहिए, अगर पैकेट्स बिल्कुल भी फटा है या अंदर से मच्छी बिल्कुल भी थॉ है या थोड़ी सी भी थॉ है तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेनी है, ठीक है। अगर मच्छी थॉ है इसका मतलब कि वो डेंजर जोन के अंदर है, पैकेट्स के अंदर आपने सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है जो भी मच्छी आप लोगों के शेफ ने मंगाई है क्या प्रॉपर वही है, ऐसा तो नहीं कोई दूसरी है, या कोई शेप और साइज मेंशन किया गया है कि भैया 1 किलो के अंदर हमको सिर्फ 2 ही मच्छी चाहिए, अगर इस प्रकार की स्पेसिफिकेशन है तो वो भी आपको चेक कर लेनी है। अगर सब कुछ सही है तभी आपको अपनी उन मच्छियों को रिसीव कर लेना है, अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पे कुछ भी कमी रह रही है तो आपको उनको रिसीव नहीं करना है, और आपको आपके जो सुपरवाइजर है अपने शेफ है CDP या सू शेफ उनको बुलाना है और उनको ये सारी चीजें बतानी है, क्योंकि यहाँ पे मच्छियाँ बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो आप हजारों रुपए एक दिन में बर्बाद कर सकते हैं। इसके बाद जब आप मच्छी को रिसीव कर लोगे आप भी अपनी बिल्कुल साफ सुथरी बास्केट जो कि वॉश रिंस और सैनिटाइज की गई है वो लेके आओगे या अपनी ट्रेज लेके आओगे और उनके अंदर अपनी मच्छी को प्रॉपरली आप रखोगे।
इसके बाद जो भी मच्छी आपने फ्रोजन रिसीव कर ली है उसको आप प्रॉपरली बास्केट या क्रेट्स में लेके अपने जो स्टोरेज एरिया है जो कि आपका फ्रोजन एरिया है जो कि स्पेशली फिश के लिए होगा या मीट के लिए होगा जिसका कि टेम्परेचर भी -18 डिग्री होगा वहां पे जाके आप उनको प्रॉपरली स्टोर कर दोगे। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है जहां भी आप अपनी मच्छी स्टोर कर रहे हैं जो भी आप बास्केट्स यूज कर रहे हो बिल्कुल साफ हो, आपका एरिया साफ हो और आपका जो फ्रीजर है जो कि -18 डिग्री का है वो बिल्कुल ही साफ हो, तभी आपकी मच्छियां वहां पे बिल्कुल सुरक्षित हैं और आपके जो गेस्ट उनको बाद में कंज्यूम करेंगे वो भी प्रॉपरली सुरक्षित हैं। यहाँ पे एक थॉइंग का भी प्रोसेस होता है जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। होपफुली अब आप लोगों को पूरा प्रोसेस मालूम पड़ गया होगा कि किस प्रकार से फ्रोजन फिश को रिसीव करना है और यही प्रोसेस आप लोग अपने होटल्स या रेस्टोरेंट में भी यूज करोगे। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट से नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।